गंज बासुदक कोतवाली थाने में पदस्थ SI कमलेश सोनकर के खिलाफ आपराधिक मामला दर्ज किए जाने को लेकर गुरुवार को कांग्रेस जिला अध्यक्ष ने ज्ञापन सौंपा है। पूर्व विधायक निशंक कुमार जैन के साथ तहसील पहुंचकर SDM रोशन राय के नाम तहसीलदार यशवर्धन सिंह और कोतवाली थाने पहुंचकर TI सुमि देसाई को ज्ञापन दिया। ज्ञापन में बताया कि बुधवार को दोपहर 3:30 बजे के लगभग अमित मेहता, अंकित मीणा, आदिल खान, प्रशांत यादव, आकाश राजपूत व संतोष पाल अन्य कार्यकर्ता SDM के पास जिला प्रभारी मंत्री विश्वास सारंग द्वारा NSCY और युवा कांग्रेस को गुंडा बताते हुए टिप्पणी की गई थी। उसी के विरोध में ज्ञापन देने गए थे। उसी दौरान तहसील गेट के पास पुलिस फोर्स में से कमलेश सोनकर SI इन लोगों के पास आए थे। उसी दौरान SI सोनकर पीठ पर थप्पड़ मारते हुए पार्थी के पैंट में पीछे से हाथ डालकर खींचते हुए थाने लेकर आए, जान से मारने की धमकी दी है, जो कि एक गंभीर अपराध है। इसके लिए कमलेश सोनकर के विरुद्ध तत्काल कड़ी कानूनी कार्यवाही करते हुए उनके विरुद्ध आपराधिक प्रकरण दर्ज किया जाए। ज्ञापन देते समय बड़ी संख्या में कांग्रेस जन शामिल थे। गंज बासुदा से मुकेश चतुर्वेदी की रिपोर्ट। हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा चैनल SW24 न्यूज। हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में लगे बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें।